के जी आपने समय निकाला, लगातार गठाना विकास मंच ने 6 सप्ताह हुए सफाई अभियान चलाते हुए, और हमें बड़ी खुशी की बात है कि इसमें मंडी भी शोक है मैंने चालू कर दिया है गठाना विकास मंच के कार्य को देखते हुए। आज हम ये जो तय बाजारी है इस सड़क पर लगे हुए हैं, सुबह सफाई कर रहे हैं, लगभग 3 दुकानदारों ने हमें नाश्ता पानी भी करवाया है, और अब जो हम आपके सामने मेरे हाथ में जलेबी हम नाश्ता कर रहे हैं, ये अन्नपूर्णा भोजनालय जो राजकीय शिक्षालय में जो हमारे मरीज आते हैं उनको फ्री कॉस्ट भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके द्वारा आज हमें नाश्ता करवाया गया है। और मैं पूरे टीम को अन्नपूर्णा भोजनालय पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा और इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमें ये हमें लगभग 3-4 सप्ताह से हमारे चाय की नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। अब बात आती है सफाई अभियान की, तो मेरा पहले भी पूरी मंडी से निवेदन था कि आप लोग हमारा शो कर रहे हैं और भी शो कर सकते हैं, जैसे घरों में बैठकर जो आप प्लास्टिक थैली का यूज करते हैं उन प्लास्टिक थैली को अगर अपने कचरा पात्र जाकर उसमें रखकर उसके बाद में हम जलाते हैं। प्लास्टिक थैली है जो सबसे बड़ी एक गंदगी का रूप होता है, क्योंकि नालियाँ बंद होती है, और इस प्लास्टिक थैली को हमारे जो पशु जो मंडी में घूमते फिरते हैं उनको वो पशु बेचारे प्लास्टिक जो खाते हैं उनके पेट में जमा हो जाती है और उस पशु की मौत होना निश्चित है। मैं गठाना विकास मंच की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि गठाना विकास मंच की जो टीम में ये 150 जो मेरे छोटे भाई इस गठाना विकास मंच में जो काम कर रहे हैं बिना बुलाए हर रविवार को 9 बजे, बड़ी इनकी मन की इच्छा होती है, 9 बजे उठकर स्पेशल आते हैं और पूरी मंडी में जो गली जिसका नंबर लेते हैं साफ करने के लिए उसमें सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं और मिट्टी ट्राली में डालते हैं, उसके बाद मिट्टी जो झाड़ डालनी है वहाँ डालते हैं। बड़ा अच्छा आनंद महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा काम है। हम चाहते हैं कि गठाना विकास मंच इस पूरी मंडी को जो सफाई अभियान चालू कर रखा है ये चलता रहे और मंडी का शोक मिलता रहे। मैं एक निवेदन सभी भाइयों के मार्फत निवेदन करना चाहूँगा जनप्रतिनिधि से, चाहे वो विधायक है, जो जिला प्रमुख है, चाहे प्रधान है, चाहे MP, हमारी गठाना मंडी 50 से 60 हज़ार लोगों की जनसंख्या वाली मंडी है और 3 से 4 पंचायतों का जुड़ाव इस मंडी से है। नगर पालिका आज इस क्षेत्र को बहुत जरूरत है, सबसे पर जरूरत है नगर पालिका की, क्योंकि जो मंडी में सफाई अभियान जो चल रहा है इससे अगर अपने को मजबूत करना है, इस मंडी को स्वस्थ रखना है, तो नगर पालिका की अहम भूमिका होती है। हमारी पड़ोस की मंडियों में जो नगर पालिका है वहाँ विकास का ज़्यादा है, सड़कें ज़्यादा बन रही है, सफाई तो चलती भी रहेगी, लेकिन उनके साथ साथ मंडी में विकास होना बहुत जरूरी है। मंडी में विकास होगा, मंडी मजबूत होगी तो व्यापारियों का ध्यान इस मंडी तरफ बढ़ेगा। मेरे जो युवा भाई है, जो रोजगार है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी काम करने का मंस होगा, और मंडी काफ़ी टाइम से मेरे हिसाब से ये 50-60 सालों की मंडी है। जिस व्यक्ति इस मंडी को बसाया मैं उसका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा कि इस मंडी को, इस क्षेत्र के लोगों को एक मंडी मिली अपनी उपज बेचने के लिए, सामान खरीदने के लिए। तो इस मंडी के विकास के लिए भी मैं जनप्रतिनिधि से कहूँगा कि आप इस मंडी की तरफ ध्यान दें। पीछे आपने ध्यान दिया या नहीं दिया मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब हमारी इच्छा है, गठाना विकास मंच की भी इच्छा है कि इस मंडी की तरफ ध्यान दिया जाए, विकास कार्य किया जाए। अब तो हमारी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, विधायक क्षेत्र इस क्षेत्र का है, प्रमुख इस क्षेत्र का है, प्रधान हमारा बन गया है, MP साहब इस क्षेत्र के हैं, बीकानेर लोकसभा की। इस मंडी को अगर अपने को सुनहरा बनाना है तो जनप्रतिनिधियों को भी इस मंडी तरफ ध्यान देना होगा। मैं पुनः गठाना विकास मंच को, इन युवाओं की टीम को पूरा उनका धन्यवाद करूंगा। सरपंच साहब, 2 STR हरप्रीत सिंह जी हर टाइम हर रविवार को बिन बुलाए ये आते हैं और हमारा पूरा शो करते हैं। पूरी टीम कपिल बैठे हैं, काली बैठे हैं, काली जो गंगानगर से 2 दिन छुट्टी लेकर, मैं बड़े दिल से भारत करता हूँ कि 2 छुट्टी लेकर हमारे बीच में आते हैं, अशोक है, संजीव है, निर्मल है सारे, और राजा बाबा जी आज हमारे बीच में आए हैं। मैं बड़ा मन खुश हुआ कि इन्होंने मैं आशीर्वाद दिया और हमें कहा भी गठाना विकास को मैं शो करता रहूँगा। अब पूरी मंडी का जुड़ाव तो विकास मंत्र हो चुका है, अगर जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव इस विकास मंत्र हो जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मंडी राजस्थान की सबसे बढ़िया मंडी बन सकती है। पुनः मैं सभी
मंडी वासियों निवेदन करूंगा कि प्लास्टिक थैली का कम से कम प्रयोग करें। प्लास्टिक थैली को अगर प्रयोग भी करते हैं तो जलाने का पूरा कष्ट करें। अगर आपने ये 5-6 महीने प्लास्टिक जलाने का काम शुरू कर दिया तो 40% मंडी में सफाई अपने आप ले जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।